अगली खबर की ओर। शिमला पुलिस ने शुक्रवार को एक अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसमें 169 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है और इस दौरान चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच में है। शिमला SP संजीव कुमार गांधी ने बताया कि यह प्रतिबंधित पदार्थ अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों के गिरोह से जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल, अनिल, दीपक और करण के रूप में हुई है। सभी अमृतसर पंजाब के निवासी हैं। उन्हें चौलंथी के पास गुप्त सूचना के आधार पर गश्त के दौरान पकड़ा गया। हमने उनके कब्जे से 169 ग्राम हीरोइन बरामद की है। SP गांधी ने कहा कि शिमला पुलिस ने पिछले 6 महीनों में करीब 1 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। नशे में तो जब हम नशे का एनालिसिस करते हैं तो सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर जो जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत विघटनकारी रहता है, किसी की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सभी प्रकार के मामले आते रहते हैं, और बेसिक चीज़ ये है कि हमको जो है, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अमंग द स्टेक होल्डर्स। नशे के विरुद्ध काम करने वाले और भी बहुत सारे हमारे पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम वन अमंग देम है। तो जो हमको करना चाहिए उसको हम अपने काम को, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी कमिटमेंट और सजगता के साथ कर रहे हैं और हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं।